Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Hello friends, जैसा कि हमने previous video में common root से related problems देखे, इस video में भी मैं common root से related problems solve करने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। तो question मैंने paper पे पहले से लिखा है। क्वेश्चन क्या है? इफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसमें भी हम कॉमन रूट से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो लगाएंगे। तो लेट्स सी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, लेट दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ आई एम गोइंग टू एड दिस टू। ओके, लेट सी व्हाट हैपेंड। सो एडिंग 1 एंड 2, सो दिस इज 2 एक्स स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी एक्स प्लस दिस इज 27 इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, दिस इज थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ऑलरेडी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दिस इज फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 equals to 0, say this is fourth quadratic equation. Now I'm going to subtract these two quadratic equation, okay, difference. So subtracting 4 from third, so 2x square and this is minus x square becomes x square, this is a plus b x and this is minus a plus b x, this is 0, this is 27 minus 36, that is 9 equals to 0. Again we get a quadratic equation, so x square equals to 9, that implies x equals to 3 and minus 3। एंड जैसा कि जब मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि इस चीज पे आपको ध्यान देना है, have a common positive root। यहाँ पे हमें दो रूट मिला है, 3 एंड माइनस 3, तो क्वेश्चन में पॉजिटिव कॉमन रूट है, तो x इक्वल्स टू 3 इज द कॉमन रूट ऑफ ऑल दोस 3 क्वेश्चंस। ओके, सो वी टेक ओनली 3 एज ए कॉमन रूट। सो 3 is common root। Now if 3 is common root, then 3 must satisfy all those equations। Okay, so मैं 3 को एक equation में रखता हूँ, equation 1 में, since 3 is root of all equation, then 3 must satisfy all equation। All equation, so मैं 3 की वैल्यू पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, putting x equals to 3 in 1, तो क्या मिलेगा हमें, 9 square प्लस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज 3a इक्वल्स टू माइनस 12
minus 81 और 3a equals to add करेंगे कितना होगा minus 93 so a is equals to minus 31 so a is equals to minus 31 अब हम a की value एक मिनट गलत क्यों आ रहा है ओहो फक कहाँ दिमाग चल रहा है यार क्या बात है ये पेज फिर से करते हैं पेज ना पूरा नहीं नहीं ये पेज अभी जो लास्ट पेज लिखा लिख दूं क्या वो पूरा नहीं लिखो आप बता के लिखो बता के शुरू से ना हाँ एक ही पेज है ना वो हाँ बस ऐसे ठीक एक मिनट सो अब सिंस थ्री इज द कॉमन रूट पॉजिटिव थ्री इज कॉमन रूट सो थ्री मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ओके सो थ्री इज Common root. Three must satisfy all given equation. So मैं three की value equation number first में रखने जा रहा हूँ. So equation number first क्या है? X square plus ax plus 12 equals to zero. So three square plus 3a plus 12 equals to 0, 3a is equals to minus 12 minus 9 or a equals to minus 7. Okay, now we can put this a equals to minus 7 in this equation or You can say put x equals to 3 again x equals to 3 in 2 so we have 3 square plus 3b plus 15 equals to 0 What we get? 3b equals to minus 15 minus 9 or 3b is equals to 15 minus 9 is minus 24 so b is equals to minus 8 so a is equals to minus 7 and b is equals to minus 8. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस प्रॉब्लम में भी मैंने कॉमन रूट का यूज किया कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट को यूज किया और ने ए और बी की वैल्यू निकाल ली आई होप आप लोगों को ये सलूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं ओके थैंक यू